आयनिक यौगिक धातुओं और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इससे जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं, अतः इनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक बंध बनाता है। नजदीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इसकी कारण से आयनिक यौगिकों के द्रव्यमानांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। आयन यौगिक केलासीय अर्थात चमकदार होते हैं। केलासीय वस्तु के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के होते हैं, साथ वे चिकने तथा चमकीले भी होते हैं। आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही ठोस आयनिक यौगिकों को केलासीय रूप प्राप्त होता है। विशिष्ट केलासीय संरचना के लिए उत्तरदायी घटकों में से दो महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आयनतन और आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जानने के लिए आइए कुछ कृतियां करके देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, इन रासायनिक पदार्थों के नमूने। बताए गए पदार्थों में से किसी एक का थोड़ा सा अंश धातु के चौड़े चम्मच पर रखें और उसे बर्नर की ज्योति पर गर्म करें। यही प्रक्रिया अन्य पदार्थों के साथ दोहराएं। इन पदार्थों को पानी, मिट्टी का तेल और पेट्रोल में मिलाएं। क्या वे घुल रहे हैं? ये पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल में नहीं घुलते हैं। आकृति के अनुसार विद्युत अपघटन सेल बनाए। किसी एक लवण के विलयन में विद्युत अग्र डुबोए। क्या विद्युत बल्ब जलता है? अगर हाँ तो वह विलयन विद्युत का सुचालक है। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म इस प्रकार है। धनायन और ऋणायन में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल अर्थात इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अधिक होने के कारण उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रव्यमानांक और क्थवनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं, पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल जैसे विलयकों में नहीं घुलते हैं। विलयन में विद्युत का संवाहन करने के लिए प्रभारित कणों का स्थानांतरित होना आवश्यक है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन विद्युत सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में विचरित हुए आयन होते हैं। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत विद्युतागारों की ओर चले जाते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का वहन नहीं करते, क्योंकि इस अवस्था में उनकी कड़ी संरचना के कारण आयन गतिशील नहीं होते, परंतु पिघली हुई अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ऊष्मा के कारण विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल पर काबू पाया जाता है और इसी कारण आयन मुक्तता से विचरण पाते हैं और विद्युत के भी सुचालक बन जाते हैं। Thank you.